राजगढ़ रोड है भाई, प्रॉपर राजगढ़ रोड है। सिग्नल हो चुका है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नितेश शर्मा व्लॉग। तो भाई आज का व्लॉग हिसार से नहीं, राजगढ़ यानी कि सादलपुर जंक्शन से स्टार्ट हो रहा है। और जैसे आपको पता है कि मैं ताऊ जी के पास आया हुआ था और यहाँ पर अब पहुँच चुका हूँ और 10:30 बजे मेरी ट्रेन है और यहाँ से निकलते हैं। 10:30 ट्रेन है, 11:30 बजे तक ये अपने को पहुँचा देगी हिसार जंक्शन पर। और सादलपुर जंक्शन बस यार 5 मिनट ही है, 5 मिनट पहले वही है। लेट लतीफ़ी वाली आदत हो रही है, लेट लतीफ़ी वाली भी क्या, पास में ही करता, जस्ट 2 मिनट का रास्ता था। तो मैं सोचा यार कि ज़्यादा जल्दी आने का कोई मतलब नहीं है। और ये अपनी ट्रेन है भाई, और ये वही वाली ट्रेन है जो कोटा हिसार ट्रेन है। हिसार से कोटा वाली में मैं कल 5:30 बजे आया था और कोटा से हिसार जो जाती है उसमें मैं अब आ रहा हूँ। 11:30-12:30 तक पहुँचा देगी। कोटा हिसार की अपनी ट्रेन है। और ट्रेन को चलने में भी 6-1 मिनट है, तो मैं आपको इसका डीजल लोकोमोटिव दिखाता हूँ, इसका डीजल लोकोमोटिव कौन सा है, और थोड़ा सा देख लेना चाहिए, नॉलेज हो जानी चाहिए सभी को। तो चलो इसका डीजल देखते हैं। ये ब्रेक वैन है, यहाँ पर गार्ड वार्ड रहते हैं। हालांकि अब गार्ड की दो तरफ होता है, ये आगे और पीछे, पीछे रहता है मेन गार्ड, अगर इंजन चेंज होता है तो ये गार्ड वगैरह यहाँ पर होता है। और ये है भाई WDP 4D लोकोमोटिव है, और ये खींचता है अपने कोटा हिसार ट्रेन को। और कपलिंग आप देख सकते हो, ये कपलिंग होगी। तो ट्रेन के निकलने का टाइम हो चुका है और हम आपको दिखाते हैं ट्रेन के नज़ारे। देख सकते हो यार, सिग्नल हो चुका है, इधर से गार्ड साहब देंगे हरी झंडी। हालांकि ट्रेन बहुत ज़्यादा लंबी है और गार्ड साहब की झंडी तो हमें दिखेगी नहीं, और इन्हें जो ड्राइवर होते हैं उनके पास तो वॉकी टॉकी होते हैं, वो कॉन्टैक्ट कर लेते हैं कि हाँ चलाओ मैंने झंडी दे दी है, ये है वो है, तो उसके बाद वो अपना आगे काम करते हैं। तो ट्रेन चल पड़ी है और चढ़ते हैं फिर भाई ट्रेन में। और भाई वो देख सकते हो बकरियां सामने आ गई है, इंजन ने हॉर्न मारा है और बकरियां साइड में हो गई हैं। अगेन दोबारा से बकरियां देख सकते हो, ये बकरियां सामने आ गई है और इंजन हॉर्न मार रहा है।
तो ये जितना भी एरिया भाई ये सारा राजगढ़ है। राजगढ़ से निकल चुके हैं और ट्रेन रवाना हो चुकी है। अब इसके बाद अगला स्टॉप है हमारा वो सिवानी होगा, जो कि हरियाणा में पड़ता है। सिवानी हरियाणा के भिवानी ज़िले में सिवानी पड़ता है, सिवानी एक तहसील है। और चलो सिवानी ट्रेन रुकेगी और फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे, और सिवानी के बाद सीधा चलेंगे हिसार। तो बने रहो आप हमारे साथ। करीब 32-33 किलोमीटर का ट्रैवल करके हमारा राजगढ़ के बाद अगला जो स्टॉप है वो है सिवानी, और सिवानी ट्रेन पहुंच चुकी है। और आप अभी देखो सिवानी का स्टेशन। ये स्टेशन है भाई सिवानी, और सिवानी स्टेशन है जैसे आपने देखा होगा मैंने पंचमुखी बालाजी किया था जो चौधरीवास में है। चौधरीवास से हार्डली मेरे ख्याल है 10-12 किलोमीटर दूर आगे आगे सिवानी आता है, और राजगढ़ रोड मैंने आपको दिखाई है। सिवानी जो तहसील है वो भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है। हालाँकि ये अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि चेंज किया जाए, इसको हिसार डिस्ट्रिक्ट में लाया जाए क्योंकि हिसार के सबसे पास है। तो भाई ये जो है सिवानी है, और हमारा जो डब्बा है वो बिल्कुल इंजन के पास है, तो ये बिल्कुल स्टेशन प्लेटफार्म ख़त्म हो जाता है वहाँ तक ले आता है। और सिवानी में इस ट्रेन का मेरे हिसाब से एक या दो मिनट का स्टॉपेज है, ज़्यादा स्टॉपेज है नहीं, और इसके बाद ट्रेन चलेगी तो सीधा ही रुकेगी हिसार में। तो बने रहो आप हमारे साथ ही। राजगढ़ रोड है भाई, प्रॉपर राजगढ़ रोड है जो राजगढ़ जाती है, और इस रोड पे मैंने आपको बहुत बार लेके गया हूँ। सीधा 4 नंबर गेट जाएगी, कहीं भी नहीं मुड़ रहा, सीधा जाना है। ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, देखते ही देखते सिवानी के बाद हार्डली 20-21 मिनट के बाद कार की एंट्री हो चुकी है। और जैसे आप देख सकते हो ये वापस से कैमरी रोड एरिया भाई, ये सारा पिछले व्लॉग में पिछली वीडियो में मैं कैमरी रोड का एरिया मैंने नहीं दिखाया था, तो ये सारा का सारा एरिया कैमरी रोड का। और वो जो नया ओवरब्रिज बना है जो मैंने आपको दिखाया था, ये कैमरी रोड वाला पुल है भाई जो बन रहा है, अभी बना नहीं है। और उसके बाद ये है भाई वो नया बना हुआ ओवरब्रिज जो मैंने आपको 2-3 बार व्लॉग में दिखा चुका हूँ, साउथन बाईपास वाला ये ब्रिज है। ट्रेन की रफ्तार बहुत तेज है, ब्लॉक करने में बहुत दिक्कत आ रही है। और इसी के साथ बाकी अब जो एरिया है जितना भी एरिया है वो मैंने आपको दिखाया हुआ है, तो सीधा मिलते हैं रेलवे स्टेशन पे। हिसार रेलवे स्टेशन बस आ ही गया है, ज़्यादा दूर नहीं है, हार्डली 2 मिनट का रास्ता है यहाँ से। और इस लोकोमोटिव ने, इस ट्रेन ने हमारे को पहुँचा दिया, और ट्रेन का व्यू आप देख सकते हो।
तो हिसार रेलवे स्टेशन पे उतर गए हैं भाई, और ये ट्रेन है, ये इस ट्रेन ने हमें पहुंचा दिया और हिसार रेलवे स्टेशन है। और भाई लिफ्ट का बटन दबा दिया है और लिफ्ट हमारी खुलने को तैयार है। खुल क्यों नहीं रही? तो भाई लिफ्ट अपनी खुल गई है और लिफ्ट में बैठ गए हैं भाई, हिसार रेलवे स्टेशन पे पहुंच गया। यार फैन क्यों चल रहा है? लोग भी ना यार लिफ्ट में आते हैं, कोई भी बटन दबा के चल जाते हैं, फैन का बटन चल रहा है। और अपनी जो बाइक है वो बाइक पार्किंग में मैं कल खड़ी करके गया था, तो बाइक उठाते हैं और सीधा यहाँ से निकल पड़ते हैं। बहुत सही ट्रेन है यार, बहुत बढ़िया ट्रेन है, हार्डली एक घंटे में हमारे को पहुँचा देती है। और बहुत सही मैं पहुँच गया हूँ, हिसार रेलवे स्टेशन में मिल गया एस्केलेटर और मेहनत कम लगेगी अपनी और अपन यहाँ से निकल जाएंगे। और इसी के साथ यार एक दुखद समाचार मिली है, हमारी जो नाइटिंगेल है, हमारे जो भारत रत्न है श्री लता मंगेशकर जी, उनका देहांत हो गया है। और यार मेरे को बहुत ज़्यादा दुख लगा ये खबर सुन के कि उनका देहांत हो गया है। और भारत के एकमात्र नाइटिंगेल थे, कोकिला बोला जाता था उन्हें, इतनी सुंदर वॉइस पे मतलब हिसाब नहीं है उनका, और उनका देहांत हो गया है। तो भावपूर्ण श्रद्धांजलि उनको। और इसी के साथ बताना चाहूँगा कि एक गाना आया था उनका, शायद 1962 के वॉर था, इंडिया चाइना का 1962 का वॉर था। और उस वॉर में क्या है, इंडिया की बुरी तरह से पराजय हुई थी और सब ध्वस्त हो गए थे, सब निराश हो गए थे। तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नेहरू जी, उन्होंने लता मंगेशकर जी को कहा था कि एक ऐसा गाना जो जवानों में जोश पैदा करे, ऐसा गाना लेके आओ। और उन्होंने एक सॉन्ग गाया था जिसे सुन के आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आँखें नम हो जाती है। तो वो गाना था यार मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, वो शहीद हुए हैं जिनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। तो बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ और आँखें भी नम हुई सुन के कि लता मंगेशकर जी का देहांत हो गया है। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो इसी के साथ वही फिर चल पड़ते हैं अपन और हिसार में अपने चल पड़ते हैं, बाइक लेते हैं और उसके बाद निकलते हैं। तो भाई टाइम हो चुका है 10:16 और भाई स्टेशन से घर आ गया था और आराम से घर आ गया था बाइक उठा करके। उसके बाद कपड़े वपड़े चेंज करे, थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर अपना जो पिछला व्लॉग था उसको एडिट करा, एडिट करके अपलोड वगैरह करा, थंबनेल वगैरह डाले। और जो ये वाला जो आज वाला व्लॉग था उसको भी एडिट वगैरह किया। कुछ देर नींद आ गई थी, 2-3 घंटे नींद आ गई थी, तो फिर दोस्तों से मिलने चला गया शाम को, थोड़ी देर बाहर घुमाए। उसके बाद शाम को दोबारा से खाना खाया, रेस्ट किया, एक दो वीडियो वगैरह देखी, एडिटिंग का हिसाब किताब देखा, जो पिछला काम पेंडिंग था वो सारा काम निपटाया। अब रात हो चुकी है और जैसे कि देख रहे हो यार आँखें चसी हुई है मेरी, ट्यूबलाइट की तरह आँखें होती है ना, वो चस जाती है वैसी चसी हुई आँखें, क्योंकि यार नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, पूरे दिन की थकावट होगी, कल की थकावट होगी। और बस वही है यार, बाहर जाओ तो थकावट वगैरह तो हो ही जाती है। तो इस व्लॉग को यार यहीं समाप्त करते हैं, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। और होप करते हैं आप सभी को ये व्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। प्लीज़ भाई कमेंट करो, आपका एक एक कमेंट मेरे को मोटिवेट करता है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो यार, प्लीज़ करते रहो। तो फिर इसी के साथ मिलते हैं किसी नई सी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर। नितेश शर्मा व्लॉग्स।